हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनीज ब्यूटीफुल क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बीट करेंगे फ्लफी कॉफ़ी विद द हेल्प ऑफ मिक्सर जार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लेंगे शुगर, हाफ वन टेबल स्पून का मेजरमेंट लिया है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे 4 टेबल स्पून, 3 and this one 4। इतने ही रेशो में फ्रेंड्स हम लेंगे कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के लिए मैंने ये जो सिंपल सैशे होते हैं, मैंने ये सैशे यूज़ किया है, और सेम मेजरमेंट से हम इसमें 4 के रेशो से कॉफ़ी लेंगे। तो ये हमने 1 ले लिया, ये हमने लिया 2, और उसके बाद हम इसमें एक अलग फ्लेवर मिक्स कर रहे हैं। ये मैंने ब्लू का लिया है सैशे, इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और दोनों मिक्स होने के बाद काफ़ी अच्छा टेस्ट क्रिएट करते हैं। ये हमने लिया 3 एंड दिस वन 4। ये देखिए, तो ये अप्रोक्स 2 टेबल स्पून आता है एक पैकेट में, एक सैशे में, जो ये 10 रुपीज़ का सैशे आता है। तो ये हमने सेम रेशो में ले ली है। आइस हमारी कुछ मेल्ट हो गई है, तो हम आइस चेंज कर लेते हैं। तो आइस जो है मैं, अब हमने जब ये हमने 8 के रेशो में लिया, तो 8 के रेशो में हम आइस लेंगे। एक मिक्सी का जार लेंगे और हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट है वो हम इसमें ऐड करेंगे, एंड देन अभी हम इसके 2 क्यूब्स बाद में ऐड करेंगे। तो पहले हम ये 6 क्यूब्स ले रहे हैं। हम लोग मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये कुछ अभी हुआ है हल्का सा फॉकी, तो इसमें हम 1 क्यूब ऐड कर देंगे। करेंगे तो ये देखिए हमारी, ये देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितना क्रीमी, कितना फ्रॉथी हुआ है ये। बट अभी इसमें हमें इसको 1 क्यूब और ऐड करना है। तो ये हमने, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कॉफ़ी है अच्छे से बीट हो गई है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कितना क्रीमी जो इसका टेक्सचर है वो बना है, यू कैन सी। ये देखिए, बस अब हमें क्या करना है, हमें इस जो ब्लेंड हमने कॉफ़ी की है, ये देखिए कितनी वेरी वेली है हमारी ब्लेंड हुई है। अब इसको हम एक कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में फिल करके हम इसको फ्रिज में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। एनी टाइम आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसमें सेम रेशो में कॉफ़ी लें एंड मिल्क में ऐड करें। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ये कॉफ़ी हमारी अच्छे से ब्लेंड हो गई है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्स्चर इसका क्रिएट हुआ है। तो अब हम इसे ग्लास के, मेरा एक कंटेनर है, मैं इसमें शिफ्ट करके इसको स्टोर कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक कंप्लीट जार हमारा बन गया है। ये देखिए, फिल हो गया कंप्लीट, कंसिस्टेंसी आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कैसा निकला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, आप कैसे भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।